आदमी की जिंदगी में दो शब्द है, एक तो नेगेटिव, एक पॉजिटिव। इनमें प्रभावित ज्यादा कौन सा करता है? नेगेटिव। आप देख लो उत्साह में काम करते करते कई बार फिर नेगेटिव हो जाते, जैसे वहां पीयूसी नहीं है, या अप्लाई ने कुछ कह दिया, या लाइफ लाइन ने कुछ कह दिया। अभी मैं भोजन करते हुए इनसे बात कर रहा था, सुनील जी से, और कौन कौन थे, नरेंद्र जी थे, ये सब सीनियर थे। मैं इनको कह रहा था अगर हमारे समय का आरसीएम आप करते ना, एक भी नहीं दिखता। हमारे टाइम पे प्रोडक्ट क्या था? कपड़े के बाद कंपनी टीम प्रोडक्ट लाई। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप काम नहीं कर रहे किसी के रिजल्ट नहीं है, काम करो तो रिजल्ट क्यों नहीं आया? पहला प्रोडक्ट था पेस्ट, दूसरा प्रोडक्ट था नहाने का साबुन, तीसरा प्रोडक्ट था कपड़े धोने का साबुन। तीन ही प्रोडक्ट थे ये सुनील जी, सर्फ भी बाद में आया, जो आपको प्रैक्टिकल दिखाया गया ना वो बाद में आया। हमारे टाइम पे तीन आए। अब कंपनी किसकी मास्टर थी? कपड़े की। और इसने बना क्या लिया? FMCG। अब इससे बनाना नहीं आया। जब इन्होंने पेस्ट बनाया तो उसका मिक्सर थी नहीं, मिक्सिंग या तो लिक्विड पहले निकलता था या फिर पेस्ट निकलता था या फिर दोनों नहीं निकलते। अब वो गाढ़ा हो गया, पेस्ट मुंह पे आके रुक गया, कितना भी दबाव ट्यूब को। मैं रियल घटना सुनाता हूं आपको। बड़नगर में एक हमारे अब्दुल कलाम खान जी है, उस समय वर्ल्डी थे टेक्निकल, उनके जिया जी रहते हैं रतलाम में, हार्डवेयर की बड़ी दुकान। तो उन्होंने मेरे को कहा सर अगर एक बार जिया जी को समझा दो ना आरसीएम, तो इनसे इतना बड़ा संकल्प मिलेगा अपने को, मैं खाली रतलाम से ही एमराल्ड बन जाऊंगा। तो बड़ा कन्विंस करके उनको समझाया। उन्होंने कहा क्या क्या प्रोडक्ट है? मैंने कहा कपड़ा है, अभी बेस्ट और ये लॉन्च हुआ। बोले मेरे को पेस्ट देना एक बार। तो हमने खान साहब को कहा खान साहब पेस्ट दे देना इनको। खान साहब पेस्ट दिया, गलती से गलत बैच उस समय आ गया, वही मिक्सिंग थी। सुबह सुबह ये खान साहब के जिया जी दुकान पे जाने का टाइम हो रहा, इधर पेस्ट ना निकले, नहीं निकला। तो घर में थप्पी होती है कपड़े धोने, थप्पी होती है उस पर, अब वो पानी में रहती पुरानी होगी होगी, तो उन्होंने उससे मारना शुरू किया, तो टूट गई थप्पी, टूट गई पेस्ट नहीं। ऐसे तो कौन याद आ रहा होगा उनको, अब्दुल कलाम। फिर उसके बाद ये कोई लोहे की चीज ला, कुछ लाए लोहे का, इससे मारना शुरू किया, मारते गए मारते गए, फिर पेस्ट निकला, पूरे परिवार का एक हफ्ते का नुकसान। अब उसको अंदर कैसे डालो, अंदर कैसे डले, वो तो एक हफ्ते का पूरे परिवार का नुकसान। उसके बाद इन्होंने अब्दुल कलाम जी को फोन किया, बोले अब्दुल कलाम आज के बाद रतलाम में अगर तुम जीतते तो तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। और ये मैं आपको रियल घटना बता रहा हूं, अब्दुल कलाम की आज तक किया जी कह, उनके घर बच्चों की शादियां होगी, वो मुझे जिसकी व्यक्ति है और गुस्से वाले, तुझे पता है अब्दुल कलाम जी को ये कुछ भी कर सकता है, जीजा बोले थोड़ा सा एक्स्ट्रा है ये तो नहीं गए। ऐसे में रॉयल्टी निकालना उस प्रोडक्ट से, आपके पास तो हीरा प्रोडक्ट है। डिटर्जेंट केक आया, अब डिटर्जेंट केक पता कैसे मिलता है? ऑर्डर ये कहीं वैक्यूम जगह में मिलता, अब कंपनी को ज्ञान नहीं, इन्होंने खुलते पे ढेर कर लिया, अचानक हवाई रेत घुस गई, रेत घुस के जब उसको बनाया गया टाइट बन गया तो फिर रेत घुस गई, अब घुसी हुई रेत, तो अब वो डिटर्जेंट केक घिसता नहीं था, आप उसको तीन दिन पानी में डाल दो कुछ नहीं बिगड़ता था। अब उसको जब कपड़ों में घिसो तो ये डिटर्जेंट केक नहीं घिसता था, कपड़े घिसते था।
जो नेता उसको अब आगे डिस्ट्रीब्यूटर वोल्टेज को बोलता था सर क्या हो रहा है क्या काम करेंगे, जैसे आपके ना अप्लाई बाय अप्लाई बोलते चले जाते क्या करेंगे सर क्या करेंगे, ऊपर हम तक बात आती सर क्या होगा। अब हमें तो पॉजिटिव ही लेना, हम कहते थे ग्राहक को समझाओ, हर महीने डिटर्जेंट के खराब खत्म होता है, एक ही डिटर्जेंट के एक साल चल रहा है कितनी बचत हो रही समझाइए बात उसको। तो कहता था ये बात तो समझा देंगे वो कपड़े जो फट रहे हैं। तो मैंने कहा उससे तुम खुश हो पांच साल फटते भी थे और रोज फटते मोहल में क्वालिटी परीक्षक निकाले उन प्रोडक्टों से, पर आपके साथ गड़बड़ क्या है, आप इस बिंदु पर ध्यान दीजिए, आपके दिमाग में ये हर जगह सीखा जाए और ये गलती नहीं है, ये जो है ना ये अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव चीज अट्रैक्ट नहीं करती कभी भी। देखना देखो इसको थोड़ा समझते, यहां आप लक्ष्मी जी की तस्वीर लगाओ घर में, एक तरफ लगाओ कैटरीना, आप घर से जाना और देखना निगाह माने ऐसे गलती नहीं है, ये गलती नहीं है, निगेटिव खींच नहीं है, आप कितनी भी कोशिश लक्ष्मी की तरफ देखी करो पर ये काम सोनू देखो ये गलती नहीं है, ये आकर्षण है, ये खींचता ही है। आप देखना कभी भी अटलाइन में ये नहीं करते सब ये काम अच्छा हो रहा है सब ये रहा ये तकलीफ वहां ये तकलीफ वहां ये तकलीफ, गलती नहीं है, बैटरी ना अगर लक्ष्मी जी की तरफ देखो और उसका आशीर्वाद हो जाए ना धन की बरसात, पॉजिटिव वो चीज है। इस सिस्टम में जो हमेशा पॉजिटिव देखेगा उसकी सात पीढ़ियों में कोई गरीब बच्चा जन्म नहीं, हमें ऐसा लगता है कई बार बहुत बहुत कंडीशन कंपनी ऐसा नहीं कर रही, जी की जगह आप बैठो ना दस दिन के लिए दादी नानी याद आ जाएगी, कैसे चलती है कंपनियां कहां से प्रोडक्ट सेल टैक्स इनकम टैक्स वेट टैक्स कितनी झंझट है। तो थोड़ा सा अगर कुछ बड़ा करना है तो क्या देखना सीखे, और हमेशा पॉजिटिव देख तो बहुत कुछ बड़ा हो सकता है। नेटवर्क मीटिंगों का बिजनेस है, नेटवर्क किस चीज का बिजनेस है, मीटिंगों का, बिना मीटिंगों के नेटवर्क को आप बड़ा नहीं कर सकते। अब प्रश्न आता है मीटिंग में लोग आते नहीं, मीटिंग में लोग आते नहीं, आप कैसे आए थे पहले भी मैं बताता हूं कारण क्या है, आप भूल गए वो पहला दिन आपको कैसे लाया गया, हम लोगों के पीछे मांगते लोगों में क्यूरियोसिटी नहीं छोड़ते बुलाने के लिए, आप होम मीटिंग करते ना तो तीन घंटे की होम मीटिंग करते हैं ज्यादातर, उसी दिन सब विजन सिक्योरिटी सब कुछ उसी दिन बोले तू भी नॉल्टी मैं भी नॉल्टी जा, वो फिर सोचता सेमिनार आने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि सब वही बता दें। मीटिंग में लोग मैं कैसे लाता था, लोग आपसे मिलना चाहे आप लोगों से न मिलना चाहो इस तरह की चीज समझ में आनी चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं शुरुआत के दिन बता रहा हूं, मैं घर से मीटिंग के लिए तैयार हुआ, मैं शुरू से ड्रेस कोड में रहता हूं, आप मेरा कैसा भी पुराना फोटो देख लो 2002 का, मैं पहले से ड्रेस कोड में रहता हूं, मैं तैयार हुआ और पत्नी ने कहा मीटिंग से तो शाम को आओगे सब्जी आज नहीं है तो थोड़ा सा सब्जी देके चले जाओ,
तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं कार से निकला, मैंने कहा सब्जी देती कोई घर से निकल जाएंगे। तो चौराहे पे मेरे को वो दोस्त मिला जो मंडी में मेरे साथ काम करता था 1995 में। अब उसने मेरे को देखा, मैंने उसको देखा, तो उसको डाउट हुआ यार ये दिनेश है। मेरे को तो कंफर्म नहीं है वही है, क्योंकि वो तो साइकिल पे घूम ही रहा है ना। मैं तो कंफर्म था ये वही है, पर वो मेरे को कार में देख के डाउट हो रहा है यार फेस सेम है। अब उसको कैसे विश्वास दिला जाए दिनेश चौधरी है, तो हल्का सा मैं स्माइल तो वो समझ पास में और आगे बोला क्या बोलते आजकल किसी बड़ी कंपनी में ड्राइवर हो गए गलती इसकी। मैं कहता ड्राइवर नहीं, मैं एक बड़ी कंपनी में 41% का पार्टनर बन गया, उसमें 41 था, तो गवर्नमेंट ने 41 बना दिया। बता क्या बोलता 41% के पार्टनर, हमें याद नहीं किया आपने, अभी तो आपके साथ ही काम करते थे। मैंने कहा नहीं वो सबकी जरूरत नहीं है, उन्होंने कहा सिलेक्टेड लोग चाहिए, तो मेरे को जो समझ में आया बोले नहीं यार दिनेश ध्यान दो यार बच्चों की फीस नहीं करा रही तो अब वो आगे लेके पूछना जैसे भी क्या करना प्लान देना था। और हम यही गलती कर हम बाइक पे साइड में हुए और वहीं गद्दी पे स्टैंड पे खड़ी करते ये Yes. उसने कहा क्या करते हो आप कोको कोला सबकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने जाओ ना 1,00,000 की, तो वो एसी के केबिन में बैठा के बात करता 1,00,000 की पार्टनरशिप की थी, फिर आपने कई 1,000 करोड़ की पार्टनरशिप गलती भी खत्म कर दी। मैं नहीं बताता, मैं उसको कहता हूं अभी मैं जिनको पार्टनरशिप दी है उनसे मिलने जा रहा हूँ, उनसे मिलने जा रहा हूँ बेटी, जिनको दी है उनसे मेरी विशेष मीटिंग है, तुम एक काम करना कल सुबह फोन लगाओ, अगर टाइम होगा तो मैं तुम्हें बुलाऊ। निकल गया। क्या लगता है ये कल फोन करेगा? करेगा? ये टेंशन में आ गया, बोले यार जाते हुए बोलता है मैं याद से फोन उठा मैं सुबह करूंगा फोन। अब ये सुबह इसका फोन आया तो मैं इसको क्या बोलता हूँ भाई आज थोड़ा समय नहीं, वो क्या पार्टनरशिप और लोगों में चलेगी उनसे कल मिलने जाना। वो कहता है भाई साहब मैं भी तो पार्टनरशिप ही होता हूँ उनको दे रहा हूँ, मेरा भी तो पुराना दोस्त हूँ तुम्हारा। मैंने कहा नहीं कल कल पक्का कल फोन करना एक बार 9 बजे। क्या लगता है कल 9 बजे फोन आएगा? आएगा। हाँ नींद नहीं आई होगी उसे, अब उसमें क्यूरियोसिटी होगी। अब उसका जब 9 बजे फोन आता है तो मैंने पत्नी से पहले प्लानिंग कर रखी है, मैंने कहा ऐसे दोस्तों वो आएगा चाय वाय पानी पिला देगा, लेकिन मैं अभी उससे ना मिलने का बहाना बनाऊंगा, मैं कहूंगा पत्नी को कहीं जाना है अचानक, मैं पत्नी से पूछूं 2 घंटे लेट चलेगी अपने हिसाब से बात कर। उसका फोन आया 9 बजे, मैंने कहा यार सॉरी भाई वो पत्नी को अचानक कहीं जाना था और इन्होंने कहा मेरे को छोड़ाओ, मैं इनसे पूछ लेता हूँ अगर ये 2 घंटे बाद चली जाए तो ऊपर बात करें। और ये बोले भाभी जी जाए मैं बहुत परेशानी हूँ तो उन्हें जाने ही है कभी कभी हो रहा हूँ थोड़ा सा एक बार नहीं तो मेरी बात तुमने समझा। मैंने कहा मैडम आने वाले तुम 2 घंटे लेट हो सकते, अरे क्या आपको वो 2-2 घंटे चलो उनको क्या आना हो तो जल्दी आए इतने तो बैंड बज गई कहाँ बड़ा था तो रोकते चला इसको लगा टाइम मिल जाए तो घुस नहीं आता नहीं तो वापस चली जाएंगे। बैंड बज गई अंदर तो अपनी अच्छा संस्कार है पानी पिलाओ पानी पिलाने। तो मैंने मिसेज को कहा चाय बना दो, चाय भाभी जी को पहले कहीं जाना था वो चाय बनाना और 2 घंटे तो बताओ तो क्या करना चाहिए
उस जल का प्रोडक्ट कपड़ा देश कपड़े था। उसके बाद भी मैं उसको पिला दूंगी, बस वही की बात बोलता था। इस तारीख को अजंता पैलेस में बीसी सर का सेमिनार है, जिन्होंने मेरे को पार्टनरशिप दी है वो आ रहे हैं, उनसे सुनेगा तो तेरी पार्टनरशिप पावर फुल रहेगी, इतनी बजे आ जाना। उसने 30 रुपए का टिकट था, मैंने कहा वहां भीड़ रहती है, टिकट एडवांस ले जाए तो पता क्या तो 60 रुपये मेरा भी ले लेना और अपना भी ले। मैंने कहा अपना अपना दिया जाता है, तुम अपना दे, मैं अपना दूंगा, तुम 30 ही दो। अब क्या लगता है? बोले आना कब है? इस तारीख को 11 बजे। आपको क्या लगता है वो आएगा? आएगा 11 दिन 9 बजे से चक्कर लगा कुछ हो गए और 11 बजे मेरे को फोन कर रहा है, कोई दिख नहीं रहा अभी। अब इसको कौन बताया कि दीप फोन आया 11 का टाइम में 11:30 तक लोग आए। उस माहौल में बैठ के इसको अब आंसिक समझ में आएगा भाई ये जो बात आज मैं आपसे कर रहा हूं, मैं इसी होटल में रुका हूं, मैं अकेले आ पाऊं मेरे से ये सारी बातें कर, चाय भी मिलाऊंगा वहां एक्स्ट्रा बिस्किट के साथ, क्या लगता है आपको? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये माहौल में प्रभाव पड़ता। सेमिनार में जितने ज्यादा लोग आपके बैठेंगे, वो सुनील जी की हो, विवेक जी की हो, अजीत, ये नहीं देखना। हम पता दिमाग क्या लगा के हमें एक गलती आदत क्या पड़ गई, इनकी सेमिनार में बैठा, किसी की भी सेमिनार हो बराबर काम कर रही है। नए आदमी के लिए विवेक जी भी हीरो है, सुनील जी भी हीरो है, नरेश जी भी हीरो है, रंजीत जी भी हीरो है, अजीत जी भी हीरो है। मैं इस तरह एक एग्जाम्पल देता हूं, हमारे सिस्टम में पीवी सिंह जी देखिए सीनियर जानते हैं हमारे, नोट हार्ट की प्रॉब्लम थी, 10 साल से बेड रेस्ट में, अभी डेथ हो गई। उनकी मीटिंग आपने से किसी में सुनी नहीं? सुनी मैं उनकी मीटिंग बताऊं कैसे लेते? एक बार कोठारी सर उनको रतलाम, सूरत और बॉम्बे के रूट पे ले गए, वो लिखते थे ए से जेड तक, ए बी सी डी पहले पूरा लिखते थे, फिर कहते आर सी एम करना हो, ए से एटीट्यूड, बी से बिलीव, सी से कमिटमेंट और जेड तक मीटिंग खत्म, जाओ अपने घर। और गांव का आदमी ये क्या समझे, क्या एटीट्यूड, क्या कमिटमेंट, क्या बिलीव हो तो स्कूल नहीं गया। तो रतलाम की मीटिंग लॉन्ग हो गई, 1300 लोग थे। कोठारी सर को बोले लाए किसको आप? प्रिंसिपल, कैसा प्रिंसिपल, मीटिंग ली आर सी की एक जगह चर्चा नहीं की, बोर्ड पे नाम तक नहीं निकाल सी, बस ये से शुरू है जेड पे खत्म हो गए। लेकिन आश्चर्य देखना, जब उनकी बॉम्बे मीटिंग हुई, बॉम्बे में एक प्रोफेसर था जो 10 साल से चार्ज नहीं हो किसी से भी, बस साहब मीटिंग कराए, बीसीटी कराए, उस मीटिंग से चार्ज हो गए, वो एमरल्ड बन गया केवल बीबीसी। बाकी 12-13 के लोग तैयारी पूरी होगी,